Rahim. Here is Mubin Nas. I'm from MK Preparations. And today we are going to discuss about ecosystems. So, uh, dear students and candidates, this topic is very, very much important. Uh, students so hain, wo isko prepare kar sakte hain for appearing in different exams to get admission in any university and uh, uh, the candidates can prepare this topic for being enrolled in competitive exams like Punjab Public Service Commission PPSC Sindh Public Service Commission SPSC Federal Public Service Commission FPSC Khyber Pakhtunkhwa Public Service Commission KPPSC and Balochistan Public Service Commission BPSC so this topic is very very much important and uh, the material quoted in these slides have been taken from different source books which includes the fsc biology federal biology zoology miller and harley book fifth and tenth edition hickman zoology campbell biology and riazul Haq rame book okay so the contents that we will discuss uh, includes theme animals and their abiotic environment energy and temperature biotic factors and interactions among them ecological niche trophic structure of ecosystem biogeochemical cycles forest ecosystem desert ecosystem टंड्रा इकोसिसटम ग्रासलैंड एकोसिसटम फ्रेश वॉटर इकोसिसटम मेराइन इकोसिसटम एज वेल एज विल डिस्कस अबाउट द एशरीज ओके ओके जी सो लेट स्टार्ट द टॉपिक प्रॉपरली सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम डिस्कस करेंगे अबाउट द एनिमल्स एंड देयर ए बायोटिक एनवायरमेंट एनिमल्स एंड देर ए बायोटिक एनवायरमेंट फर्स्ट ऑफ ऑल डिस्कस अबाउटेटीट क्या होता है नॉन लिविंग द ए बायोटिक एरिया इन विच द एनिमल लिवस यानी जब हम हैबिटेट को बता रहे हैं तो हैबिटेट में एक ऑर्गेनिजम के हैबिटेट में उसके एनवायरमेंट में तमाम लिविंग यानी बायोटिक और नॉन लिविंग यानी ए बायोटिक करेक्टरिस्टिक्स जो फीचर्स हैं जो फैक्टर्स हैं है, उनको शामिल किया जाता है ठीक है सो द ए बायोटिक हैबिटेट इंक्लूड्स द अवेलेबिलिटी ऑफ ऑक्सीजन इनऑर्गेनिक आइंस लाइट टेम्परेचर क्रंट और द विंड वेलोसिटी तो ये तमाम चीजें जो हैं ये एक एनवायरमेंट में प्रेजेंट ए बायोटिक फैक्टर्स होते हैं ठीक है एंड एनिमल्स लिव विद इन आ सर्टेन रेंज ऑफ द वैल्यूज ये जितने भी एबयोटिक हमारे पास फैक्टर्स हैं यानी लाइट है टेम्परेचर है करंट या विंड विलोसिटी है तो इन तमाम चीजों की जो है वो एक स्पेसिफिक रेंज होती है जिसको ऑर्गेनिजम्स बियर कर सकते हैं ठीक है तो दो एक्सट्रीमिटीज होती हैं या तो लाइट और टेम्परेचर की हम एग्जाम्पल ले देते हैं अगर बहुत कम लाइट है या बहुत कम टेम्परेचर है और दूसरी कंडीशन होगी बहुत हाई टेम्परेचर और बहुत ही uh, ज्यादा इंटेंसिटी लाइट की तो जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो प्रेफर करते हैं एक स्पेसिफिक रेंज को ठीक है वो रेंज जिसमें वो सर्वाइव कर सकते हैं दैट इज कॉल्ड द टॉलरेंस रेंज ऑफ द ऑर्गेनिज्म वो वाली रेंज जिसमें ऑर्गेनिजम सरवाइव करेंगे अपनी एक्टिविटीज को मैक्सिमम करेंगे वो ऑप्टिमम वैल्यू कह दाती है सो इट डिफाइन्स अंडर विच एन एनिमल इज मोस्ट सक्सेसफुल यानी ये वो रेंज है जिसमें एक ऑर्गेनिज्म अपनी एक्टिविटीज जो है उस ऑर्गेनिज्म की वो पीक के ऊपर होती है ठीक है मैक्सिमम एक्टिविटीज को परफॉर्म कर रहा है तो एज यू कैन सी हियर इन द डायग्राम ये ऑप्टिमम रेंज को दिखाया गया है और ये एक्टिविटी है दिस वन इज शोइंग सक्सेस

या बहुत ज्यादा हाई है ऑर्गेनिज्म की जो ऑप्टिमम रेंज है उसमें फॉल नहीं करता टेम्परेचर ठीक है आउट ऑफ रेंज है आउट ऑफ टॉलरेंस रेंज है तो फिर ऐसा फैक्टर जो है वो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ में हिंड्रेंस क्रिएट करेगा तो इसको हम लिमिटिंग फैक्टर कहते हैं ओके

बट सिर्फ एक चीज है ऑक्सीजन वो प्रॉपर नहीं है तो ऑक्सीजन जो है उसकी वजह से ऑर्गेनिज्म uh, प्रॉपरली सर्वाइव नहीं कर सकता ऑक्सीजन की जो अवेलेबिलिटी है वो कम है सो दैट इज द लिमिटिंग फैक्टर फॉर दैट ऑर्गेनिज्म ओके जी अब हम एबायोटिक फैक्टर्स को रिटेल में डिस्कस करेंगे सो द फर्स्ट वन इज एनर्जी एनर्जी टू डू वर्क ठीक है एनर्जी uh, को हम डिफाइन कैसे करते हैं किसी भी ऑर्गेनिज्म की सेल्स यानी uh, जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं उनके लिए वर्क होता क्या है जिसके लिए एनर्जी रिक्वायर है फॉर रेगिंग फॉर फूड यानी सर्च करना फूड को फूड को सर्च करने से लेके उसको इनटेक करना उसको एब्जॉर्ब करना तक इन तमाम चीजों में एनिमल की एनर्जी जो है वो सर्व हो रही होती है ठीक है सो टू सप्लाई देयर एनर्जी नीड्स एनिमल्स द अदर ऑर्गेनिजम्स सो आर नोन एज तो अपनी एनर्जी की डिमांड्स को पूरा करने के लिए हम क्या करते हैं जी बाकी ऑर्गेनिजम्स पे फीडिंग करते हैं ठीक है लाइक ह्यूमंस हैं तो प्लांट्स को खा रहे हैं बाकी अदर एनिमल्स को कंज्यूम कर रहे हैं सो वी आर हेट्रोट्रॉप ठीक है ऑर्डोट्रॉफिक ऑर्गेनिजम्स वो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो इन uh, ऑर्गेनिक चीजों से अपनी ऑर्गेनिक फूड खुद प्रिपेयर कर सकते हैं ठीक है और इस प्रोसेस को हम फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस कहते हैं और ये प्लांट्स में प्रेजेंट है ओके एन अकाउंटिंग ऑफ एन एनिमल्स

अब हम देखेंगे कि ऑर्गेनिजम्स कितनी कितनी एनर्जी जो है वो इनटेक करते हैं और उसको कैसे कैसे रिलीज आउट करेंगे एनवायरमेंट में टोटल एनर्जी जो हम ऑप्टेन करते हैं फ्रॉम द फूड और बाय ईटिंग एन अदर एनिमल दैट इज नोन एज द ग्रॉस एनर्जी इनटेक ठीक है सो टोटल एनर्जी कंटेन इन द फूड एंड एनिमल ईट्स इज नोन एज द ग्रॉस एनर्जी इनटेक एज यू कैन सी हियर इन द डायग्राम अब इस टोटल एनर्जी में से वो एनर्जी जो कि फीसिस की फॉर्म में लॉस्ट हो जाएगी दैट इज नॉन एज दी एक्सक्रीटरी एनर्जी ओके नाउ दी एनर्जी दैट सपोर्ट्स सपोर्ट मिनिमल मेंस एक्टिविटीज लाइक पंपिंग ब्लड एक्सचेंज ऑफ कैसे एंड सपोर्टिंग द रिपेयर प्रोसेस तो इसको हम कहते हैं एक्सिस्टेंस एनर्जी यानी वो एनर्जी जो हम अपनी डेली की एक्टिविटीज में यूज करेंगे

इज करते हैं ओके okay? एंड uh, ये जो टेम्परेचर है वो हमारे बॉडी के मेटाबॉलिक रिएक्शंस में होता है are, uh, okay? so, uh, अगर हम बात करें तो दो तरीकों से बॉडी में जो है हमारे टेम्परेचर की मेंटेनेंस हो रही होती है बाय द हीट गेन एंड बाय द हीट लॉस अब हम देखेंगे कि हीट जो है उसको लॉस्ट कैसे किया जा सकता है बॉडी से कैसे हीट लॉस होगा बॉडी से टू द सराउंड ऑब्जेक्ट्स बाय द इंफ्रा रेड एंड बाय द हीट रेडिएशन ठीक है तो ये दो uh, हमारे पास तो मेकेजम्स हैं इंफ्रा रेड रेडिएशंस की फॉर्म में ठीक है और दूसरा हीट रेडिएशंस की फॉर्म में हमारी बॉडी से जो एनर्जी है वो लॉस्ट हो जाएगी एनवायरमेंट में बाय द प्रोसेस ऑफ कन्वेक्शन और बाय द प्रोसेस ऑफ इवेपोरेटिव हीट अगर हम सिंपल अपनी बात करें तो ड्यूरिंग uh, स्वेटिंग हमारी बॉडी से जो हीट है वो भी रिलीज हो रही होती है इन द फॉर्म ऑफ टिव हीट कैन बी गेंड तो हम हीट को गेन कर सकते हैं बाय द सोलर रेडिएशन इंफ्रा रेड एंड हीट रेडिए ऑब्जेक्ट इन दिनली सन से भी एनर्जी ऑबटेन की जा सकती है या फिर हमारे सराउंडिंग में जो हॉट ऑब्जेक्ट हैं उनसे भी एनर्जी गेन की जा सकती है प्लस हमारी अपनी बॉडी में बहुत से मेटाबोलिक एक्टिविटीज ऐसी हो रही होती हैं जिनके रिजल्ट में हीट जनरेट होती है

इस कंडीशन के दौरान होता क्या है इनकी बॉडी का मेटाबॉलिक रेट बहुत कम हो जाता है ठीक है और बॉडी का टेम्परेचर भी बहुत कम हो जाता है आ, और टोरपोर की कंडीशन जो है वो इन एनिमल्स के लिए बेनिफिशियल है बिकॉज इट एनेबल्स द एनिमल्स टू सरवाइव द पीरियड्स ऑफ रिड्यूस्ड फूड अवेलेबिलिटी यानी जब फूड की अवेलेबिलिटी बहुत कम होगी तो बैट्स और हमिंग बर्ड्स जो हैं वो तो टॉरपोर की कंडीशन में मूव करेंगे जिसमें इनकी बॉडी का टेम्परेचर बहुत कम हो जाता है और मेटाबॉलिक रिएक्शंस भी बहुत कम हो जाते हैं ताकि अगर फूड अवेलेबल नहीं है तो मेटाबॉलिक रिएक्शंस कम से कम हो जो हमारे पास मॉलिक्यूल्स हैं उनको बॉडी में कंजर्व किया जा सके बचाया जा सके ओके नाउ द नेक्स्ट टर्म इज हाइबरनेशन हाइबरनेशन में भी क्या होता है बॉडी का टेम्परेचर और बॉडी का जो मेटाबॉलिक रेट है वो डिक्रीज कर जाता है और ये कंडीशन ज्यादा अरसे के लिए है फॉर द वीक्स और इवन फॉर द मंथ्स ठीक है अब इसमें होता क्या है एक तो बॉडी का टेम्परेचर कम हो जाएगा ठीक है मेटाबॉलिक रेट कम हो जाएगा हार्ट रेट कम हो जाएगा ब्रीदिंग रेट कम हो जाएगा ओके okay? एंड ये जो कंडीशन है ये स्पेसिफिकली विंटर सीजन में होती है किन एनिमल्स में हाइबरनेशन का प्रोसेस होता है सो दीज आर स्मॉल मेनमल्स लाइक द रोडेंट्स फ्यूज एंड बैट्स ठीक है तो हाइबरनेशन जो है इसके बारे में तीन चार चीजें हैं इंपॉर्टेंट एक तो विंटर सीजन में हाइबरनेट करते हैं एनिमल्स और इन एनिमल्स की एग्जाम्पल्स हैं और फिर इसमें कंडीशन हैं कि ड्यूरिंग हाइबरनेशन बॉडी का टेम्परेचर कम हो जाएगा हार्ट रेट और ब्रीदिंग रेट और मेटाबॉलिक रेट भी स्लो हो जाएगा ओके okay? एंड जो टेम्परेचर है वो अप टू ट्वेंटी डिग्री सेल्सियस तक डिक्रीज हो जाता है नाउ द विंटर स्लीप विंटर स्लीप भी बिल्कुल हाइबर्नेशन uh, ही की तरह है लेकिन ये लार्जर एनिमल्स में होती है और लार्ज एनर्जी रिजर्व सस्टेन दीज एनिमल्स थ्रू द पीरियड्स ऑफ विंटर इन एक्टिविटी ओके बॉडी टेम्परेचर डू नॉट ड्रॉप सब्सटेंशियली एंड स्लीपिंग एनिमल्स कैन वेक एंड बिकम एक्टिव वेरी क्विकली तो ये वाली कंडीशन लार्जर एनिमल्स में होती है हाइबर्नेशन की कंडीशन स्मॉल एनिमल्स में होती है लाइक श्यूज और मोल्स लेकिन जो विंटर स्लीप है

ये कंडीशन ड्राई सीजन में यानी हॉट सीजन में होती है ओके एंड इट टेक्स प्लेस इन द समर सीजन रादर देन विंटर अब इसमें क्या कंडीशंस होंगी बॉडी की बॉडी जो है वो इनएक्टिव हो जाएगी बॉडी का मेटाबॉलिक रेट कम हो जाएगा ठीक है एंड यूली uh, जो एनिमल्स हैं दे आर गोइंग टू प्रेफर टू गेट एंट्री इनटू द बुरोस ठीक है बुरोस में छुपना जो है वो पसंद करते हैं एंड uh, ना ही uh, कोई ईटिंग होती है ना ही कोई ड्रिंकिंग होती है ठीक है जैसे ही मॉइस्चर यानी जैसे ही नमदार कंडीशन वापस रिटर्न होंगी ड्राई से मौसम awesome बिल्कुल नॉर्मल हो जाएगा सो दे विल एमर्ज आउट ओके सो एस्टिवेशन जो है ये हॉट सीजन यानी समर सीजन में है और इसमें बॉडी का मेटाबॉलिक रेट डिक्रीज हो जाता है ऑर्गेनिजम्स अपनी बुरोस में छुप जाते हैं खाना पीना बिल्कुल उनका बंद हो जाता है ठीक है जैसे ही कंडीशन नॉर्मल होगी बहुत ड्राई या बहुत हॉट सीजन से क्लाइमेट जो टेम्परेचर है वो थोड़ा कम होगा

Among the of the other Yarni, दो डिफरेंट स्पीशीज होंगी उनके मेंबर्स के दरमियान कंपटीशन होगा और इसमें बहुत सारी हमारे पास टाइप्स है हार्बीवरी प्रिडेशन कॉम्पिटिशन कोबाउट दीज टाइप्स हारबीवरी एंड प्रिडेशन इसमें एक सिंपल सी चीज होती है कि हम हर्बी की बात कर रहे हैं हर्बी वर्ड्स होते हैं विल फीड ऑन द प्लांट्स ठीक है जो प्लांट्स को खाएंगे और इसके बाद फिर हर्बी फीडिंग कौन करता है प्रीडेटर्स ठीक है प्रीडेटर्स इनको कंज्यूम करते हैं पहले इनको कैप्चर करते हैं फिर इनको इनको मारते हैं इनकी किलिंग करते हैं एंड देन ओके नाउ व्हाट इज सिम सो सिम जो है ये हमारे पास एक ऐसा रिलेशनशिप है जो कि दो डिफरेंट स्पीशीज के मेंबर्स के दरमियान होता है वो एट द सेम टाइम एट द सेम प्लेस एक ही जगह पे रह रहे होते हैं ठीक okay? है अब इसकी डिफरेंट हमारे पास टाइप्स हैं इसमें पैरासिटिज्म है तो पैरासिटिज्म में एक ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म की बॉडी की सर्फेस पे या उसके अंदर रहता है एंड दैट ऑर्गेनिज्म पैरासाइट और जिसकी बॉडी के ऊपर वो रह रहा है उसे हम कहते हैं होस्ट ठीक है और होस्ट को जो है वो पैरासिटिज्म के केस में हमेशा नुकसान ही होता है होस्ट बहुत सी कंडीशन प्रोवाइड कर रहा होता है फॉर द पैरासाइट लाइक उसको शेल्टर उसको फीडिंग प्रोवाइड करेगा बट uh, हमेशा जो है वो इन रिटर्न होस्ट को नुकसान ही उठाना पड़ता है ओके सो होस्ट जो है उसकी भी डिफरेंट टाइप्स होती हैं डेफिनेटिव या फाइनल होस्ट ओके तो डेफिनेटिव और फाइनल होस्ट है और उसके बाद है जी हमारे पास इंटरमीडिएट होस्ट डेफिनेटिव और फाइनल होस्ट एक ऐसा होस्ट होता है दैट हार्बर्स दी सेक्सुअल स्टेजेस ऑफ द पैरासाइट यानी इसमें पैरासाइट जो है वो अपनी रिप्रोडक्शन को कंप्लीट करता है ठीक है सो अ फर्टाइल फीमेल इन अ डेफिनेटिव होस्ट में प्रोड्यूस एंड रिलीज द हंड्रेड्स ऑफ एग्स ओके एंड ईच एग गिव राइज टू द इमैच्योर स्टेजेस दैट मे बी द पैरासाइट ऑफ अ सेकंड होस्ट दैट इज द इंटरमीडिएट होस्ट इंटरमीडिएट होस्ट में एंटर हो जाएगी और अब इंटरमीडिएट होस्ट में जो है इसकी इमेचोर स्टेज अपने आप को मेच्योर में कन्वर्ट करेगी और उसकी ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगी ओके नाउ द सेकेंड टर्म इज द कोमेंसलिज्मिज्म भी इसकी एक टाइप है सिम्बायोसिस की जिसमें दो मेंबर्स डिफरेंट जो स्पीसीज के हैं वो एक ही जगह पे रह रहे होते हैं बट वन इज गेटिंग benefit and the other is uh, getting uh, not uh, any benefit and uh, neither any harm okay so the third is the mutualism this may those different species ke members at uh, the same time it's a benefit hoga, okay now the communities so above all the populations living in an area make up a community and communities are not just random mixtures of species they have the unique organization for example, a stream community may have the large population of the rainbow trout that helps determine the makeup of the invertebrate populations on which the trout feed. So, a stream community may, have a large population has a rainbow trout key or rainbow trout ki jo population, it will determine the makeup of certain invertebrate populations on which the trout feeds. okay? Okay, so next is the ecological niche. So, the ecological niche is an important concept of community structure, and uh, a niche includes all the attributes of an animal's lifestyle, where it looks for food, what it eats, where it nests, and what conditions of the temperature and the moisture it requires. Okay. Now, the trophic structure of the ecosystem. So, communities and their physical environments are called the ecosystems. And one important fact of the ecosystem is that energy is constantly being used. Okay. And once the uh, once it leaves the ecosystem, this energy is never re reused. So energy supports all the activities of the organisms. Okay. It enters the ecosystem in the form of sunlight, then it's going to be incorporated into the form of chemical bonds of the molecules within the living and the decaying tissues and eventually it lost from the environment okay and the sequence of the organisms through which the energy moves in an ecosystem is a food chain and the food chain food chain is a linear sequence of the organisms which starts from the producers and ends with the decomposers so here is the exam diagram of a simple food chain in which the grasshopper, that is a herbivore, is going to eat uh, uh, up by eaten up by the mice. Mice is going to be eaten up by the cobra, and the cobra is going to be eaten up by the brown snake eagle. Okay, and uh, similarly, here is the second food chain in which the grass will be consumed by the insects, and insects will be consumed by the shoes, and they will be consumed by the owls. Okay. तो इस पूरे में हमें ये बताया गया है कि एनर्जी कॉन्स्टेंटली जो है वो एक में सर्कुलेट कर रही है ठीक है आ, और इसके तीन हमारे पास जो हैं वो है वो स्टेप्स हैं एनर्जी गेन एनर्जी को सर्कुलेट करना है इको में एंड देन एनर्जी लॉस्ट, ओके और फूड चेन ये बता रही है कि वन से सेकेंड और थर्ड और सो ऑन ये एनर्जी किस तरीके से ट्रांसफर होगी सो यू कैन सी हियर दी ग्रास एंड ग्रास विंज्यूम्ड बाई द ग्रास होपर एंड इट विल बी कंज्यूम्ड बाई दाइस एंड इट बी कंज्यूम्ड बाई द स्नेक भी कंज्यूम्ड बाई दॉक एंड सो ऑन ओके नाउन दिक्सर ऑफ इकोसिस्टम सो कम्प्लेक्सली इंटरकोनेक्टेड फूड चेन्स आर कॉल्ड दूड वेब्स यानी बहुत सारी फूड चेन्स का जो लिंक है उसे हम फूड वेब कहते हैं सो फूड कनेक्शन ऑफ मल्टीपल फूड चेन्स अब हम बताएंगे ट्रॉफिक लेवल के बारे में सो बिकॉज दूड वेब कैन बी कम्प्लेक्स इट इज कन्वीनियंट टू ग्रो अपनी ट्रॉफिक हमारे पास फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल है फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल कौन से ऑर्गेनिज्म बनाएंगे दीज आर द प्रोड्यूसर्स और द्लांट जो की इनऑर्गेनिक मटीरियल से अपनी ऑर्गेनिक फूड खुद प्रिपेयर करते हैं ठीक ठीक है। by the process of photosynthesis. After that, second level है, है, है? जिसमें आ जाते हैं, इनको प्राइमरी कंज्यूमर्स भी कहा जाता प्रोड्यूसर्स थर्ड ट्रॉफिक लेवल में आ जाते हैं कार्निवर्स दे आर नोन एज सेकेंडरी कंज्यूमर्स एंड दे विल फीड ऑन द प्राइमरी कंज्यूमर्स ओके देन हमारे पास हैं जी

And the biotic factors include the producers, consumers, and decomposers. And consumers are further of three types the primary, secondary, and the tertiary consumers. Okay. Now we're going to discuss about the biogeochemical cycles. So, the biogeochemical cycles are those cycles in which the nutrient elements are going to be recycled in the environment. So, we'll discuss about the two cycles the carbon and the nitrogen. So, the carbon cycle is

एंड कार्बन डाइऑक्साइड इन दॉटर तो ये दो रेजरवायर्स है हमारे पास जहाँ पे कार्बन प्रेजेंट होती है इन द फॉर्म ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड ओके सो कार्बन जो है इज ऑक्सीडाइज टू कार्बन डाइऑक्साइड ये इन रेजरवायर्स में एंटर कैसे होगी ये ऑर्गेनिक मैटर है हमारे पास यानी प्लांट है एनिमल्स हैं ठीक है तो एनिमल्स इनकी इनके जो ऑर्गेनिक मैटर्स हैं जब इनकी ऑक्सीडेशन होगी यानी हमारी बॉडी में जब ग्लूकोज की ऑक्सीडेशन होती है ठीक है सो इट विल बी ऑक्सीडाइज टू दी कार्बन डाइऑक्साइड तो कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो हमारी बॉडी से रिलीज हो रही होती है इनकेस ऑफ रेस्परेशन ओके

and uh, then uh, the carbon dioxide can be supplied to the plants for the photosynthesis. Now carbonic acid in the water is going to be released the carbon dioxide in the atmosphere by the separating or by the breakdown. अब हम अगर देखें कार्बन को एक पैती क्यूकोसिस्टम में तो कार्बन जो है वो एक और फॉर्म में भी प्रेजेंट होती है that is the calcium carbonate. Calcium carbonate जो है ये mollusk और जो echinoderm्स हैं उनके शेल्स में प्रेजेंट होता है ठीक है and uh, the accumulation of the shells uh, of the mollusks and the skeletons of the echinoderms after their death leads to the formation of the uh, coral reefs means the aggregations of the limestones and uh, then the geological uplift the volcanic activities and the weathering they return this carbon to the earth's surface and the atmosphere यानी इन तमाम वो लाइम स्टोन फॉर्मेशन से कुराल रीफ से या रॉक्स की फॉर्म में जो कार्बन है हमारे पास तो डिफरेंट जो एक्टिविटीज हैं वोल्केनिक एक्टिविटीज या वेदरिंग वगैरह इन सब के रिजल्ट में कार्बन जो है वो दोबारा एटमोसफेयर में रिलीज आउट हो जाती है ओके एज वेल एज कार्बन इज ऑल्सो प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ फॉसल फ्यूल्स और इनकी बर्निंग से भी इनवायरमेंट में कार्बन रिलीज होगी नाउ ऑन द नाइट्रोजन साइकिल so the nitrogen cycle is uh, the biogeochemical uh, cycle that transforms the inert nitrogen present in atmosphere to the usable form for the living things okay it's different steps nitrogen fixation nitrification assimilation ammonification and denitrification okay jih. सो द नाइट्रोजन फिक्सेशन नाइट्रोजन फिक्सेशन में होता क्या है कि एटमोस्फेरिक नाइट्रोजन को अमोनिया की फॉर्म में फिक्स किया जा रहा होता है और ये जो फिक्सेशन है ये सिम्बायोटिक बैक्टीरिया डायाजोट्रोफ्स एज वेल एज एजोबेक्टर एंड राइजोबियम की हेल्प से हो रही होती है जो कि सॉयल में प्रेजेंट है ठीक है एंड ये जो सॉयल में प्रेजेंट है सारे माइक्रोब्स ये एटमोस्फेयर से नाइट्रोजन को अमोनिया की फॉर्म में फिक्स कर रहे हैं अब नाइट्रोजन फिक्सेशन की डिफरेंट टाइप्स है हमारे पास एटमोसफेयरिक फिक्सेशन में क्या होता है लाइटनिंग की हेल्प से ठीक है थंडर स्ट्रॉम और लाइटनिंग की हेल्प से जो एटमोस्फेरिक नाइट्रोजन है वो ऑक्साइड्स में कन्वर्ट हो रही होती है इंडस्ट्रियल नाइट्रोजन फिक्सेशन क्या है जी के जो एटमोसफेरिक या नेसेंट नाइट्रोजन है उसको फर्टिलाइजर्स और यूरिया का पार्ट बनाया जा रहा है इस फॉर्म में से फिक्स किया जा रहा है और बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन क्या है जो हम स्टार्ट में देख चुके हैं बाई यूजिंग द डिफरेंट माइक्रोब्स और बैक्टीरिया लाइक द राइजोबियम एंड ब्लू ग्रीन एल जी ये क्या करते हैं नाइट्रोजन को एक यूजेबल फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं okay? अमोनिफिकेशन अमोनिफिकेशन में क्या है जी के हमारे पास जब प्लांट्स और एनिमल्स की डेथ होती है तो उनमें नाइट्रोजन प्रेजेंट होती है उनके ऑर्गेनिक मोलिक्यूल्स यानी प्रोटीन और, और इमानो एसिड्स की फॉर्म में ठीक है जम so, है तो उसकी जब डीकम्पोजिशन होगी तो उससे उसकी बॉडी में जो नाइट्रोजन प्रेजेंट है उसको अमोनिया के फॉर्म में कन्वर्ट किया जा रहा है ठीक है डीकम्पोज so, क्या करते हैं लाइक बैक्टेरिया और फंजाई ये सॉइल में प्रेजेंट है और कोई भी ऑर्गेनिक मैटर प्लांट के एनिमल जिसकी डेथ होगी उसकी ब्रेक डाउन करेंगे और उसमें से अमोनिया को रिलीज करेंगे सो इज़ ओके नाइट्रिफिकेशन क्या है जी अमोनिया का कन्वर्ट होना नाइट्रेट्स और नाइट्राइट्स में तो सबसे पहले जो है वो हमारे पास अमोनिया अमोनिया की ऑक्सीडेशन होती है तो नाइट्राइट्स बनते हैं सॉइल में ठीक है बाय द नाइट्रोसोमोनास बैक्टीरिया फिर हमारे पास नाइट्रोबैक्टर बैक्टीरिया है जो इन नाइट्राइट्स को कन्वर्ट करता है फर्दर नाइट्रेट्स में तो यू कैन सी हेयर इनिशियली हमारे पास अमोनिया कन्वर्ट हो रहा है नाइट्राइट्स में बाय द नाइट्रोसोमोनास बैक्टेरिया एंड देन ये जो नाइट्रोसोमोनास बैक्टेरिया के बाद नाइट्रोबैक्टर बैक्टीरिया है ये इस नाइट्राइट को कन्वर्ट कर देंगे उसकी फर्दर ऑक्सीडेशन करके उसको नाइट्रेट्स में कन्वर्ट कर देंगे ठीक है so you can see here are the equations for the nitrification now the assimilation तो so assimilation में क्या है जी हमारे पास uh, जो नाइट्राइट्स हैं या जो nitrates हैं will be बी अपेकन बाय द प्लांट्स एंड plants क्या करेंगे इसको photosynthesis के जरिए अपनी बॉडी का पार्ट बना लेंगे ठीक है और इसको यूजेबल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे that आर proteins

इकोसिस्टम इज द स्ट्रक्चरल एंड द फंक्शनल यूनिट ऑफ द इकोलॉजी वेयर द लिविंग ऑर्गेनिज्म इंटरेक्ट विद ईच अदर एंड द सराउंडिंग एनवायरमेंट ठीक है so, ये बिल्कुल एक स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट होता है इकोलॉजी का जिसमें हम एनवायरमेंट को स्टडी करते हैं ऑर्गेनिजम्स एक दूसरे के साथ इकट्ठे रहते हैं और एक दूसरे के साथ इंटरक्ट करते हैं ठीक है

so terrestrial ecosystem is further divided into the forest ecosystem grassland ecosystem tundra ecosystem and a desert ecosystem now the aquatic ecosystem is further divided into freshwater and the marine ecosystem so you can see here natural ecosystem is being divided into aquatic and the terrestrial so aquatic is having the freshwater and marine Terrestrial is having forest, desert, grassland, and mountain. Okay. So these are some major ecosystems in the world. The tropical rainforests, uh, further forest ecosystem ki types, and temperate forest, coniferous forest, or taiga, then uh, the grassland. Okay. And uh, the temperate grassland, the Mediterranean, the desert, tundra, and mountains. Now we'll study about the details of the terrestrial ecosystems. So there are different types of terrestrial ecosystems like the forest, the grassland, tundra, and desert. Okay, so you can see here the forest ecosystem, the grassland, and the desert ecosystem. Aquatic ecosystem has been divided into the freshwater and the marine ecosystem. So you can see here the marine and the freshwater ecosystem now first of all we'll discuss about the forest ecosystem in detail so we are having different types of forest ecosystems the tropical rainforests okay the temperate deciduous forests and the coniferous alpine and boreal forests

जो कि है माइनस फाइव से थ्री डिग्री सेल्सियस तक एंड शॉर्ट डेज और यू कैन से शॉर्ट ग्रोइंग सीजन है जिसमें टेम्परेचर मॉडरेट होगा ज्यादातर यहाँ पे जो है वो विंटर वाली ही कंडीशन रहती है टेम्परेचर बहुत कम ही रहता है लेकिन कुछ थोड़े से टाइम के लिए ग्रोइंग सीजन होता है शॉर्ट समर सीजन है इनमें वन थर्टी डेज का ऑनली फॉर द वन थर्टी डेज ओके और यू कैन से फॉर फ्यू मंथ्स लाइक टू टू थ्री मंथ्स ओके ना देर इज द मॉडरेट प्रेसिपिटेशन बारिश के बारे में बताया जा रहा है कि इनमें रेनफॉल एवरेज कितनी होती है फोर्टी टू हंड्रेड सेंटीमीटर्स पर ईयर एंड मोस्ट ऑफ द प्रेसिपिटेशन कर्म इन द फॉर्म ऑफ हैवी विंटर स्नो ज्यादातर जो प्रेसिपिटेशन है जो, जो रेनफॉल है वो ज्यादातर स्नो की फॉर्म में ही है ठीक है विंटर स्नो की फॉर्म में एंड सोयल्स जो है हमारे पास नॉर्दर्न कॉनिफरस फॉरेस्ट की वो एसिडिक है और इनफरटाइल है ओके एंड प्लांट फर पाइन और इन्हें हम एवर ग्रीन फॉरेस्ट भी कहते हैं सो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो इको सिस्टम्स हैं दे आर वेरी वेरी मच इम्पॉर्टेंट और इसमें जो मोस्टली हाईलाइटेड है ब्लू ग्रीन एंड रेड कलर दीज पॉइंट आर वेरी वेरी मच इम्पॉर्टेंट ठीक है यू नीड टू फोकस ऑन द करेक्टराइजेशन ऑफ ईच टाइप ऑफ द इको सिस्टम यानि आप उसको हैं उनकेम्पॉर्टेंट प्रेसिपिटेशन टेम्परेचर ठीक है ग्रोइंग सीजनस सॉइल की कंडीशन प्लांट एनिमल लाइफ दीज आर वेरी वेरी मच इम्पॉर्टेंट एज वेल एज द लोकेशन ऑफ दीज इको सिस्टम इन द वर्ल्ड एज वेल एज इन पाकिस्तान ओके

नहीं पाई जाती ओके okay? और मोस्टली जो हमारे पास इंसेक्ट्स हैं दे इंक्लूड द मोस्टली जो हमारे पास इंसेक्ट्स अबाउंड इन द समर मंथ्स एंड अदर रेजिडेंट्स इंक्लूड द स्नो शू हेयर्स द लिंक्स वुल्व्स कैरिबो एंड मूस ये स्पेसिफिकली एनिमल्स हैं जो यहाँ पे पाए जाते हैं ओके okay, जी सो so, क्या है हमारे पास नॉर्दर्न कॉनिफरस फॉरेस्ट्स की पाकिस्तान में आ, का दी लास मालम जबात और यूरेशिया यानी यूरोप और एशिया में पाए जाते हैं नॉर्दर्न अमेरिका कैनेडा जस्ट साउथ ऑफ द टंड्रा एंड इन नॉर्थ अमेरिका द कॉनिफरस फॉरेस्ट फॉर्म अ ब्रॉड कॉन्टिन्यूस कॉन्टिनेंट वाइड बेल्ट स्ट्रेचिंग अक्रॉस द कैनेडा अलास्का एंड साउथ थ्रू रॉकी माउंटेन्स इन टू द मेक्सिको यहाँ तक के पूरे जो जंगलात हैं ये फैले हुए हैं नॉर्दर्न कॉनिफरस फॉरेस्ट के ओके okay? ओके ना व्हाट इज टाइगा तो टाइगा क्या है नॉर्दर्न क्वनीफोरेस्ट फोरेस्ट को ही हम टाइगा भी कहते हैं डायग्राम अब इसकी स्पेसिफिक कंडीशन क्या होती है अः uh, यहाँ पे जो कंडीशन है दीज आर मच हार्शर ठीक है टेम्परेट डेसीडियस फोरेस्ट से कुछ हार्श कंडीशन यहाँ पे होती हैं वो कंडीशन क्या है विंटर्स विंटर्स आर लॉन्गर एंड कोल्डर ग्रोइंग सीजन इज टू मच शॉर्टर ठीक है यानी इनमें सर्दियों का जो टाइम पीरियड होता है बहुत लंबा लंबा होता है और काफी ज्यादा ठंड पड़ती है यहाँ पे ठीक है वार्मेदर इज शॉर्ट टू अलाउ द ट्रीज द लग्जरियस ग्रोथ ऑफ री ग्रोइंगचर है जो इनके प्लांट्स को अपनी ग्रोथ के लिए चाहिए डेट इज वेरी मच शॉर्ट ओके सो एवर ग्रीन कॉनीफेरेस्ट ट्रीज पॉपुलेट द फॉरेस्ट एंटायरली विद स्मॉल वैक्सीनी ये एवर ग्रीन फॉरेस्ट सी हैं लेकिन इनमें ये होता है कि स्मॉल वैक्सी नीडल्स की वाले यानी इस तरह के जो हैं 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 पे ज़्यादा होते ठीक है टाइगर वाइट एंड सब एल्पाइन फर लार्ज एंड बर्ज वैक्सी कोटिंग एंड द स्मॉल सर्फेस एरिया ऑफ द नीडल्स रिड्यूस वाटर लॉस बाय इवेपोरेशन ड्यूरिंग द कोल्ड मंथ्स एंड लीव द लीव्स रिमेन ऑन द ट्रीज अराउंड यानी ये जो इनके नीडल्स हैं ये बहुत नीडल्स के ऊपर वैक्सी कोटिंग्स हैं ठीक है और जो नीडल लाइक -like इनके लीव्स हैं इनकी वजह से सरफेस एरिया बहुत कम हो जाता है जो इवेपोरेशन नहीं होने देता और ट्रीज के साथ ही सालों जो लीव्स हैं वो अटैच रहते हैं सदा बहार इनको कहा जाता है ओके नाव दल पाइन एंड द बोरियल फोरेस्ट तो इनमें क्या डिफरेंस होता है

लॉन्ग विंटर्स का सीजन होता है इनमें टेम्परेचर में भी बिलो द फ्रीजिंग पॉइंट अप टू टेन डिग्री सेल्सियस एनिमल्स अगर हम देखें तो मैमल्स इंक्लूड द बाइसन वुल्फ ब्लैक पियर डियर मार्कोपोलोशीप स्मॉल एनिमल्स इंक्लूड द स्मॉल कश्मीर फ्लाइंग स्कर्ल्ड स्नो शू हेयर पुल फ्राइन एंड क्रॉसपिल्स

Uh, इनकी बॉडी वेल वेल्टिड होती है ताकि जो बहुत लॉन्ग और कोल्ड विंटर्स का स्नोई सीजन है उनको ये बियर कर सके इनकी पूरी बॉडी के ऊपर uh, जो है वो फर वगैरह काफी अमाउंट में प्रेजेंट है ठीक है बर्ड्स जो है जेज एंड अदर बर्ड्स इंक्लूड द रेड क्रॉस ओके मॉस्किटोज एंड फ्लाइस एनिमल्स प्रेजेंट and the southern coniferous forests lack the mammals found in the northern coniferous forests like the they are having uh, specifically the snakes lizards and the amphibians okay plants and human impact so plants include the pinus valicinia, pinus stropspergia uh, ibis pintrou pice uh, simitiana and cedrus teodora Human impact. So, due to the severity of the climate and the remoteness, most of the forests remain the undisturbed. But forests are major source of the lumber for construction. And so, forests have been cleared in the world. यानी yani, इस uh, uh, environment में या इस coniferous forest में conditions बहुत ज़्यादा harsher हैं. ताज़ातर जो है वो बर्फी जमी रहती है. लेकिन इस इससे हमें lumber यानी ये लकड़ी जो है वो मिलती है that we can use for the construction purposes. ठीक है?

जब लीव नीचे गिरते हैं तो उनकी डीकम्पोजिशन सेटाइल हो जाती है सो वर्टिकल स्ट्रेटिफिकेशन इज वेल डेवेलप्ड विद मोस्ट प्रोडक्शन अक्रिंग इन द टॉप ऑफ द ट्रीज द फॉरेस्ट कैनोपी ठीक है अब इनमें फॉरेस्ट कैनोपी की फॉर्म में होती है मैक्सिमम ग्रोथ इनकी जो है वो अपर रीजन में होती है इसको हम फॉरेस्ट कैनोपी कहते हैं and insects are most common herbivores and white tailed deer as the largest herbivore carnivores include the wolves and the mountain lions okay acres कहाँ पे होते हैं जी पाकिस्तान में नीलम वैली और शोغرान में देन इंडिया में और इसके अलावा ईस्टर्न नॉर्थ अमेरिका एंड encompasses the several forest types that change gradually from north east to the south okay And then in the Southeast Asia in the Eastern and North America in Europe, in China, in Australia, in Japan, in North and the South America. Now their properties uh, rainfall is not constant. Okay, pronounced wet and the dry seasons like the distinct and the summer uh, distinct summer and the winter seasons are present and in dry season, the trees can't get enough water from the soil to compensate for evaporation. सो प्लांट्स अडेप्टिड टू द ड्राई सीजन बाय शेडिंग द लीव्स यानी इनमें ऐसा होता है कि प्रॉपर डिस्टिंक्ट समर और विंटर सीजन आते हैं ठीक है और जब समर सीजन आता है तो ड्राई कंडीशन को इनके प्लांट्स बियर नहीं कर पाते और अपने जो बहुत ज्यादा ड्राई लीव्स हैं उनको ये शेड कर देते हैं ताकि वाटर लॉस से बच सके डेफिनेटली इफ दे आर गोइंग टू शेड देयर लीव्स तो इनके स्टोमेटा से इनको छुटकारा मिल जाता है ताकि वेपोरेशन कम से कम हो और वाटर को कंजर्व किया जा सके ओके okay? and uh, rainfall. Rainfall is uh, 750 to 1500 millimeters and temperature is moderate 4 to 30 degrees Celsius. Now the plants. Plants include the oak, maple, beech and uh, Texas pacata and Pinus velliciana, Berberis Elysium, herbs and the shrubs, grasses, ferns, mosses, liverworts, lichens now the animals include macaca mulatta rhesus monkey okay so the tip the black bear felis bengalensis the leopard cat deer wolves bacteria fungi and earthworm now the animal communities in the deciduous forests respond to seasonal changes in various ways Uh, कुछ जो इंसेक्ट यानी uh, जो सीजनल चेंजिंग्स आती हैं तो डेसी फॉरेस्ट में जो डिफरेंट तरह के एनिमल्स हैं उनको डिफरेंट डिफरेंट तरीकों से रिस्पोंड करते हैं उन चेंजेस को लाइक like, इंसेक्ट ईटिंग वॉर्बलर्स इनका काम होता है एक जगह से दूसरी जगह माइग्रेट कर जाना ठीक है फिर जो वुड चक्स हैं uh, ये विंटर सीजन में हाइबरनेट हो जाएंगी फॉर द मंथ्स एंड बाकी जो अदर एनिमल्स हैं फूड यानी डियर वगैरह की अगर हम बात करें तो ये स्टोर्ड फूड के ऊपर जो है वो डिसाइड करना स्टार्ट कर देती हैं। ओके okay जी नाउ सॉइल कंडीशन एंड ह्यूमन इम्पैक्ट तो सॉइल जो है वो क्रेश ब्राउन है दिस इज वेरी फर्टाइल रिच इन ऑर्गेनिक मैटर जैसे हमने देखा कि इनके जो लीवस है वो फॉल सीजन में गिर जाते हैं नीचे और इनकी डिकम्पोजिशन से जो सॉयल है वो बहुत हद तक फर्टाइल हो जाती है मैक्सिमम वाटर होल्डिंग कैपेसिटी है की ह्यूमन इंपैक्ट क्या है जी लार्ज मैमल्स लाइक द द द बैक डियर कैट्स एंड माउंटेन ये अबंडेंट थे लेकिन प्रीडेशन की वजह से वाइब्ड आउट हो चुके हैं बाय द ह्यूमंस शिकार की वजह से वहां पे ये बहुत इनका नंबर जो है, वो काफी हद तक खत्म हो चुका है देन हम अपने पर्पजेस के लिए लंबर यानी इमारती लकड़ी जो है वो ओबेन करते हैं इन फॉरेस्ट से ठीक है और uh, हम अब जो लैंड है उसको क्लियर करके एग्रीकल्चरल परपजेस के लिए यूज कर रहे हैं दैट्स so है कि रेसीड फॉरेस्ट जो है वो वर्ल्ड से कम से कम होते जा रहे हैं नाउ द ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट ओके जी सो दी करेक्टराइजेशन इंक्लूड्स द टेंपरेचर फ्लक्चुएट बिटवीन 20 टू 25 डिग्री सेल्सियस हाई रेनफॉल अप्रोक्सीमेटली टू हंड्रेड पर ईयर and uh, they are having the high moisture conditions okay high temperature and 12 month growing season that is very much important point inka 12 mahine growing season hota hai theek hai और हमें यहाँ पे rainfall भी बहुत ज्यादा देखने को मिलती है 200 सेंटीमीटर per year. यही वजह है कि tropical रेन फॉरेस्ट में maximum इस वक्त जो है वो world की diversity पाई जाती है okay?

नो अदर बम मैचिज द ट्रॉपिकल फॉरेस्ट इन इनक्रेडिबल वरायटी ऑफ एनिमल स्पीशीज यानी कोई भी ऐसा बयाम नहीं है जो इस ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट की जो एनिमल स्पीशीज हैं जो डाइवर्सिटी है उसको बीट कर सके ठीक है यहाँ पे मैक्सिमम एनिमल स्पीशीज और उनकी डायवर्सिटी यहाँ पे पाई जाती है ओके बिकॉज यहाँ पे कंडीशन टू मच स्यूटेबल है इन एनिमल्स के सर्वाइवल के लिए ओके okay? और यही वो इकोसिस्टम है ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट ही जो कि मोस्ट सीरियसली थ्रेट फॉरेस्ट हैं कि इनकी जो स्पीशीज हैं वो काफी हद तक उनका नंबर जो है वो हमारी एक्टिविटीज की वजह से कम होता जा रहा है कि अगर हम अपनी एक्टिविटीज पे कंट्रोल नहीं करेंगे तो uh, जो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट हैं उनकी डाइवर्सिटी को बायोडाइवर्सिटी को काफी हद तक नुकसान हो सकता है ठीक है ओके जी नाउ द एनिमल एंड द प्लांट लाइफ सो ट्रीज आर ब्रॉड लिफ्ड एंड The forest canopy creates a densely shaded forest floor. तो canopy ये है कि जब leaves fall season में नीचे गिर जाते हैं, जो soil है इनकी वो बिल्कुल छूट जाती है और जो इनका uh, forest floor है वो completely cover up हो जाता है with these leaves. इसको हम canopy कहते हैं, ठीक है? And animal diversity includes the annelids, arthropods, amphibians and reptiles, insectivorous birds and bats. Uh, they occupy the above uh, canopy.

And uh, on the ground, there are large mammals like the uh, pecca agouti okay, and the members of the pig family. Okay. Now, we are going to discuss about the grassland ecosystem. Okay, geez. so uh, the vegetation is dominated by the grasses and the herbs. And uh, the temperate grasslands, the uh, swana grasslands are some of the examples of प्रेरीज एंड ऑफ सॉर्थ साउथ अमेरिका एंड अफ्रीका आर कॉल्ड दिन नॉर्थ अमेरिकन रीजन में जो ग्रेसलैंड है उसे हम प्रेरी कहते हैं और जो साउथ अमेरिका और अफ्रीका में है उसे हम सवाना कहते हैं ओके सो द मॉइस्ट मॉइस्ट प्रेरीज प्रेरीज जो नॉर्थ अमेरिका में हैं उन्हें हम टॉल ग्रास प्रेरीज कहते हैं और जो ड्रायर प्रेरीज हैं उन्हें हम शॉर्ट ग्रास प्रेरीज कहते हैं ओके एंड बिकॉज मच ऑफ द प्राइमरी प्रोडक्शन ऑफ द ग्रास लैंड डाइज ईच ईयर सो ऑर्गेनिक मैटर अक्यूमुलेट क्विकली इन द्रास लैंड सॉइल अक्रंस पाकिस्तान में गिलगित कश्मीर वजीरस्तान लोअर चित्राल और नॉर्थ कलात में ये ग्रासलैंड इकोसिस्टम पूरा सेपरेट किया हुआ है ठीक है एंड देन वर्ल्ड की बात करें तो यूरेशियन कॉन्टिनेंट्स में ठीक है सो ड्यू टू द प्रेजेंस इन द टेम्परेट क्लाइमेट्स कॉल्ड द प्रेरीज सच एस प्रेरीज ऑफ नॉर्थ अमेरिका पम्पास ऑफ अर्जेंटीना प्रेरीज एंड सवाना सो so, here डोंट the डायग्राम तो so, ये हमारे पास मेन uh, डिफरेंस होता है एक तो इनकी लोकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से ठीक है और दूसरा है जी हमारा इनकी uh, जो है वो प्लांट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से तो स्वाना आर हैविंग द वुडी ट्रीज एज यू कैन सी हियर। तो फर्स्ट डिफरेंस जो है वो हमारे पास इनकी लोकेशन का है नॉर्थ अमेरिका साउथ अमेरिका के लिहाज से सेकेंड डिफरेंस जो है वो हमारे पास इनमें वुडी ट्रीज के लिहाज से है प्रेरीज आर हैविंग नो वुडी प्लांट्स एंड स्वानाज आर हैविंग वुडी प्लांट्स ओके रेनफॉल एंड टेम्परेचर सो देर आर स्वियर ड्रॉट्स यानी बहुत ज्यादा खुश खुशी का यहाँ पे सीजन रहता है और टेम्परेचर भी टेन से ट्वेंटी डिग्री सेल्सियस तक फ्लक्चुएट करता रहेगा रेनफॉल टू से सेवन फिफ्टी mm तक है ठीक है ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल ग्रेस में जो है वो 1500 हंड्रेड mm मिलीमीटर्स तक रेनफॉल हो सकती है ओके एंड देंट कवर ऑफ द ग्रैस एंड चुली नो ट्रीज एट ऑल एक्सेप्ट अलंग द रिवर्स वाटर एंड फायर वाटर एंड फायर जो है ये हमारे पास क्रूशल फैक्टर्स हैं फॉर कंपिटिशन बिटवीन द ऑर्गनिज्म एंड द ग्रेसेज प्लांट्स को अगर हम देखें तो इंक्लूड द ग्रेमिनोइड यानी ग्रेस लाइक जो प्लांट्स uh, हैं जो ग्रेस फैमिली से बिलोंग करते हैं वो स्पेसिफिकली यहां पे सेपरेट किए होते हैं ठीक है उसके बाद है जी हमारे पास फॉर्ब्स सच एज द कंपोजिट्स लेग्यूम्स हर्बेशियस प्लांट स्पीशीज ग्रेमिनोइड्स प्रेजेंट है यहाँ पे ओके okay? देन है जी हमारे पास फर्दर OK, so is the layering. So characteristic of the grassland and uh, the tall trees. Uh, Andropogon panicum form the first layer. Mid-high grasses like Stipas porobolus, or rhizopsis form the second layer. Short grasses, forms and warfare species like the boa and probus uh, with mosses and lichens form the third layer, OK? लेयरिंग जो है वो ग्रेसांड लैंड इकोसिस्टम में प्रेजेंट होती है इसमें सबसे छोटे वाली जो ट्रीज हैं वो फर्स्ट लेयर बनाते हैं फिर मिड हाई ग्रासेस जो हैं वो सेकंड लेयर बनाएंगी और सबसे लॉन्ग लॉन्गेस्ट जो टॉलेस्ट ट्रीज हैं वो फर्स्ट लेयर बनाएंगे देन मिड हाई ग्रासेस सेकेंड लेयर और फिर जो शॉर्ट ग्रासेस हैं वो थर्ड लेयर बनाते हैं ओके सॉयल कंडीशन सॉइल मॉइस्चर इज लिमिटेड एंड लो प्रेसिपिटेशन हाई एवेपोरेशन ओके and uh, the soil is impermeable there is excessive salinity in soil animal life include the herbivores and uh, the insects bisons okay herbivores include the invertebrates like the insects and uh, the grasshoppers are uh, numerous predators include the reptiles amphibians mammals like the uh, lizards toads turtles prey on insects foxes and wolves are very common okay and decomposers include the bacteria, quinomycetes, fungi, mold, yeast, mushroom, and bracket fungi. And the large animals include the zebras, wild horses, and the bisons. Productivity. So productivity ranges from 700 to 1500 gram per meter square annually. And in humid tropical grasslands, it increases uh, up to 4000 grams per milli square. Okay.

हम क्रॉप प्रोडक्शन के लिए ये जो ग्रेस लैंड है उसको क्लियर करते हैं वो यूज दिस लैंड फॉर स्टॉक मैनेजमेंट एनिमल्स को रखने के लिए उसको हम फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं ठीक है कल्टिवेशन यूज कर लेते हैं ग्रेजिंग परपजेस के लिए फॉर द डोमेस्टिक एनिमल्स हम इसको यूज कर लेते हैं और ओवर ग्रेजिंग की वजह से कंटिन्यूसली जो ग्रेस लैंड है वो डेजर्ट इकोसिस्टम में कन्वर्ट होता जा रहा है ओके नाउ दुंडरा इकोसिस्टम सो दी टुंड इकोसिस्टम एग्जिस्ट इन टू फॉर्म इन नॉर्थ अमेरिका दर्कटिक टूड्रा ओके आर्टिक टूड्रा इज कवर्ड विनो एंड आइस मोस्ट ऑफ द इयर आर्टिक टुंड्रा और आर्टिक टूड्रा में कंडीशन क्या होती है शॉर्ट समर है days का इसमें जो है वो समर का सीजन होता है ठीक है एंड जिसमें लाइक मोस क्रेसेज और शब्स वगैरह ग्रो कर रही होती है देन इनमें नो ट्रीज आर प्रेजेंट एंड प्रेसिपिटेशन जो है वो बहुत कम है ट्वेंटी फाइव सेंटीमीटर पर ईयर है टेम्परेचर भी बहुत कम है माइनस टेन डिग्री सेल्सियस तक है ठीक है और मोस्टली uh, जो है वो जस्ट बिलो द सर्फेस ऑफ द ग्राउंड परमानेंटली फ्रोजन कंडीशन में सॉयल रहती है जिसको हम फ्रोस्ट कहते हैं ओके प्रोडक्टिविटी भी इको सिस्टम में बहुत लो है अगर हम एनिमल्स की बात करें तो इंक्लूड द रोडेंट्स वीजल्स वीजल ले एंडटिक फॉक्स आर्टिक हेनी अदर माइग्रेटरी बर्ड्स ओके तो अगर हम आर्टिक टुंडरा को देखते हैं तो परमा फ्रोस्ट की कंडीशन में आर्टिक टूड्रा है स्नो एंड आइस मोस्ट ऑफ दॉर्ट समर सीजन होता है सिक्सटी डेज का कोई ट्रीज यहाँ पे नहीं होते और प्रेसिपिटेशन जो है वो ट्वेंटी फाइव सेंटीमीटर्स पर ईयर है अल्पाइन टुंडरा अल टुंडरा जो है वो माउंटेन्स वाले रीजन में है एंड uh, इसका जो टेम्परेचर है फ्लक्चुएट करता रहेगा और जो प्रेसिपिटेशन है वो भी मॉडरेट है वर्ल्ड बिटवीन दूड 30 डिग्री नॉर्थ एंड 30 डिग्रीज साउथ करेक्टराइज बाय द रेनफॉल दैट इज वेरी मच लेस अबाउटी 25 सेंटीमीटर पर ईयर टेम्परेचर फ्लक्चुएट

साउदर्न पंजाब की अगर हम बात करें तो फोर्ट अबास बहावल नगर यजमान बहावलपुर चोलिस्तान खानपुर रहीम यार खान और इन एरियाज में साउदर्न पंजाब में प्रेजेंट है ठीक है डेजर्ट इकोसिस्टम और जो सिंध में प्रेजेंट है उसे हम थल कहते हैं ओके okay? लोकेशन जो है वो एवरी कॉन्टिनेंट अराउंड ट्वेंटी टू थर्टी नॉर्थ एंड साउथ लेटिट्यूड रेनफॉल एंड वेजिटेशन सो दी देखें तो बिल्कुल वहाँ पे कोई वेजिटेशन नहीं होती ठीक है और ये वो सहरा है जहाँ पे कभी बारिश भी नहीं होती ओके एंड कॉमन डेजर्ट्स आर करेक्टराइज बाय द लार्ज एरियाज ऑफ द बेयर ग्राउंड रेनफॉल इज लेस देन ट्वेंटी सेंटीमीटर्स प्लांट लाइफ इंक्लूड्स दी कैटाई द्रब्स

कार्बोहाइड्रेट सोर्स ऑफ वाटर ओके लार्जर एनिमल्स तो हैं लाइक द बिग हॉर्न शीप एंड द केमलेंड ऑन द परमांट वाटर होल्स ठीक है इनको वाटर की जरूरत पड़ती है ओके ह्यूमन इम्पैक्ट क्या है जी ह्यूमन एक्टिविटीज बहुत रेड्यूस होती है ऐसे इन्वायरमेंट्स में और फिर भी हमारी एक्टिविटीज की वजह से जो डेजर्ट है एक्सपेंड होते जा रहे हैं डिजर्टिफिकेशन का जो प्रोसेस है वो ज्यादा से ज्यादा होता जा रहा है ओके okay?

So, uh, it includes the streams, rivers, springs, spots, lakes, bogs, and swamps. And uh, the animals or the plants, they include the algae, plankton, insects, amphibians, okay? They are classified into uh, two types, according to the water flow. freshwater ecosystems, you have Oyahuhuzaktahel Lotic ecosystem. विच इंक्लूड द ब्रूक स्ट्रीम्स क्रीक्स एंड रिवर्स जिसमें वाटर जो है वो कंटिन्यूसली फ्लोइंग कंडीशन में रहता है ठीक है सेकेंड है जी लेंटिक इकोसिस्टम विच इंक्लूड द लेक्स एंड वाटर होगा पानी खड़ा रहता है फ्लो नहीं करता ओके okay जी सो फ्रेश वाटर लेक्स वेरी ट्रेमेंडियसली इन साइज इन डेप्थ इन न्यूट्रिय कॉन्टेंट इन डिस्टिंग लाइफ जो इन टेम्परेचर स्टर्टिफिकेशन यानी ये वो सारी चीजें हैं Uh, जो अगर हम डिफरेंट फ्रेश वाटर इकोसिस्टम्स को कंपेयर करें तो सबकी एक दूसरे से वेरी कर रही होती है ठीक है डिवीजन क्या है जी हमारे पास लेक्स की तो लेक्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड इन टू डिफरेंट स्ट्रेटास यू कैन सी ऑन द बेसिस ऑफ द एक्सेस ऑफ लाइट द अवेलेबिलिटी ऑफ न्यूट्रिय एंड द प्लेस फॉर द अटैचमेंट ऑफ द ट्रीज ओके

वाटर शेलो यानी यहाँ पे पानी बहुत कम गहरा है ठीक है प्लांट्स आर ऑप्टेनिंग अबंडेंट लाइट एंड एंकरेज एंड एडिकुएट न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द बॉटम सेडिमेंट्स यहाँ पे अगर हम देखें तो इस जोन में लाइट भी इनफ फॉल करती है यहाँ पे पानी बहुत कम होता है कम गहरा है तो प्लांट्स को जो है वो प्रॉपर uh, यहाँ पे सपोर्ट भी मिल जाती है सॉइल के साथ अटैच होने के लिए और न्यूट्रिएंट्स भी जो है वो डिफरेंट रीजन से फ्लो होके आ रहे हैं

Littoral animals. Okay, Jade. so in littoral animals are the invertebrates and uh, includes the small crustaceans, insect larvae, snail flatworms, hydra. Vertebrates include the frogs, aquatic snakes, and turtles. Okay, as the water increases in depth, so the plants are unable to anchor and uh, the bottom and the स्टिल कलेक्ट द इनफ लाइट यानी अब हम जब मजीद गहराई में जाते हैं तो प्लांट्स जो हैं वो उनका उनका जो एंकरेज है वो आ, इतना ज्यादा स्ट्रोंग नहीं होता अटैच नहीं होते प्रॉपरली वो सॉइल के साथ और लाइट इनको स्टिल जो है प्रॉपरली मिल रही होती है तो इसको फर्दर दो में डिवाइड किया गया है एक है हमारे पास लिम्नेटिक और दूसरा है जी प्रोफंडल जोन ठीक है अपर लिमनेटिक है और लोअर प्रोफंडल जोन है टिक जोन को अगर हम देखें तो दिस वन यहाँ पे uh, यह प्रॉपरली यह uh, अटैच uh, हो सकते हैं सॉइल के साथ लिम्नेटिकोन को देखे तो ये बहुत uh, गहरा है ठीक है गहराई में है अब यहाँ पे भी इनफ लाइट इनको मिल रही है फॉर द फोटोसिंसिसके एंड प्लांटोन्स इन दिस रीजन इनक्लूड्स दाइनो बैक्टीरिया डेट इज द प्रोक्रीन एलर्जी ओके एंडिमल्स इनक्लूड द स्मॉल क्रस्टेशम्ड बाई द्रस्टेशन है प्रोटोजोन्स हैं जिनको के फिश वगैरह कंज्यूम कर सकती है प्रोफंडल जोन ये बहुत ही गहराई में होता है ठीक है अब यहाँ पे इनफ इन लाइट जो है वो पेनिट्रेट नहीं करती ठीक है यहाँ पे कंडीशन बहुत कम होती है ियल यानी ऊपर वाले ऑर्गेनिजम्स इनकी डेथ हो जाएगी दे विल फॉल ऑन द बॉटम इन द प्रोफंडल जोन और इनको डिग्रेड करके ही इन डेड ऑर्गेनिज्म को डिग्रेड करके ही यहाँ पे जो ऑर्गेनिज्म होते हैं दो टाइप के होते हैं एक टू माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म है बैक्टेरिया वगैरह Fungi, है ताकि वो इनको करके न्यूट्रिएंट्स करें और उसके बाद है हमारे पास बैक्टीरिया फंजाई एंड फिश ठीक है तो ये तमाम वो ऑर्गेनिजम्स हैं जो डेड ऑर्गेनिजम्स की डीकम्पोजिशन कर सकते हैं या उनको कंज्यूम कर सकते हैं नाउ आर मूविंग द वर्ड्स इकोसिस्टम सो Uh, it is different from the freshwater ecosystem in that it contains the salt water. Okay, And uh, it is the most abundant type of the ecosystem in the world. And it encompasses not only the ocean floor and the surface, but also the tidal zones uh, like the estuaries, the salt marshes, the salt water swamps, mangroves, coral reefs. the tamam, marine ecosystem. Aate hai, hai? Estuaries. Kaha hai? Uh, जहां पे एक फ्रेश वाटर एक सी वाटर से मिलता है जहां पे ये दोनों डिफरेंट तरह की बॉडीज विद एंड विदाउट जब ये आपस में मीट अप uh, होंगी तो इसे हम कहते हैं एसचरी ठीक है एस्टरीज आर प्रोडक्टिव बिकॉज द फ्रेश वाटर स्ट्रीम्स कैरी द न्यूट्रिएंट्स टू द एस्टरी एंड टाइडल करंट बीइंग न्यूट्रिएंट्स ब्रिंग न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द ओशियन यानी दोनों का मिक्सचर है एक एनवायरनमेंट और यहाँ पे जो है ये ये एनवायरमेंट प्रोडक्टिव होता है यहाँ पे आ, जो है वो फोटोसिंथसिस वगैरह हो सकती है कोरोल रीव्स क्या है जी सो दे आर देिएशन ऑफ द स्टोनी कोरोल्स दियंस द्लास यानी यहाँ पे इन तमाम ऑर्गेनिजम्स के जो बॉडी के शेल्स होते हैं हैविंग द कैल्शियम कार्बोनेट वो इन सब की डेथ के बाद इनके शेल्स जो है वो अक्यूमुलेट होते रहेंगे फॉर्मिंग द कोरोल रीफ्स ओके So, reefs form over thousands of years in the warm, clear, and shallow waters. Okay, so we have done with this topic. And um, this topic is very, very much important. And uh, candidates and students can prepare for the different exams by uh, using this video. Inshallah, it would be very helpful for all of the students and the candidates. So, inshallah, uh, we'll meet up with the next video. Until then, Allah Hafiz.